हाय एवरीवन, बैंकिंग में लगातार अब वैकेंसीज आ रही हैं और कई लोगों का सबसे कमजोर अगर बैंकिंग में है तो वो होता है रीजनिंग। मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग में रीजनिंग की तैयारी की स्ट्रेटजी बहुत अलग होती हैं और अगर हम पीटी और मेंस मतलब उसके पहली एग्जाम और दूसरे एग्जाम की बात करें तो उसकी भी स्ट्रेटजी अलग होती हैं। पर बैंकिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनिंग का सिलेबस वेल डिजाइन और फिक्स्ड है कि इसी पर से सवाल बनते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में कोडिंग डिकोडिंग पर कुछ नए सवाल बन रहे हैं या आप देखेंगे कि आपके पजल पे भी सवाल अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के आ रहे हैं। तब आपके लिए सबसे बड़ी हिदायत है कि आप रीजनिंग को बहुत बेहतर करके जाइए, क्योंकि वो स्कोरिंग भी करेगा और क्वालिफाइंग नहीं हुआ तो फिर आपके लिए वो कभी क्वालिफाई या एग्जाम को पास नहीं करवा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले तो बैंकिंग में हमें क्या क्या करना है। तो मैं बता दूं कि बैंकिंग में दो ही पोर्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, जो पीटी में और मेंस में दोनों में आपकी मदद करेगा। एनालिटिकल का मतलब होता है जहां पर एनालाइज करके आंसर आते हैं, और एनालिटिकल में सबसे बड़ा टॉपिक आपके लिए रहेगा पजल टेस्ट, इस पर आपको ध्यान देना होगा बहुत ज्यादा। दूसरा एनालिटिकल में आपके सामने टारगेट रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। एनालिटिकल में तीसरा जो आपके सामने टारगेट रहता है वो रहेगा इनपुट और आउटपुट। चौथा टॉपिक जो आपके एनालिटिकल में मैं मानता हूं कि आना चाहिए वो है फैमिली पजल, परिवार पहेली। और पांचवा टॉपिक अगर हम बात करें कि जो एनालिटिकल में जुड़ा रहता है वो कभी कभी पैसेज बेस्ड कंक्लूजन होते हैं, पर इसका कंटेंट धीमे धीमे कम हो रहा है, अब इन्हीं टॉपिकों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में हम बात करें तो पांच टॉपिक या छह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम कहे तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसे आप तैयार करके ही जाइए क्योंकि मेंस में इस पर सवाल बहुत मिलेंगे। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाहिया। कंक्लूजन का मतलब होता है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, अजम्पशन का मतलब उसकी धारणा क्या होगी, आर्ग्यूमेंट का मतलब वहां कौन सा तर्क प्रबल होगा, और कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कि वहां क्या एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस सिलोजिज्म, और आजकल रिवर्स सिलोजिज्म भी आ रहे हैं, और उसके लिए भी जरूरी है आपको ट्रिक्स का पता होना कि वहां कैसे हल किया जाता है। और छठवां टॉपिक इसमें कभी कभार आता है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग में, लेकिन बैंकिंग में इसके अतिरिक्त भी सवाल आते हैं जिसे हम कहेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग का सबसे ओल्ड पार्ट है। कोडिंग डीकोडिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड इसमें जो रहेगा वो है डायरेक्शन टेस्ट, जहां पर डायरेक्शन से जुड़े हुए सवाल होंगे। फिर इसमें आता है रैंकिंग, जो रैंकिंग पर बेस्ड सवाल होते हैं। इसमें नंबर सीरीज, सीरीज में भी केवल नंबर सीरीज पर वो फोकस करता है, और थोड़े बहुत सवाल अल्फाबेट टेस्ट पर आते हैं। साथ ही साथ कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडेड इनइक्वलिटी, और साथ ही साथ डाटा सफिशिएंसी, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वजह से अगर मैं आपके बैंकिंग के सिलेबस की बात करूं तो सात टॉपिक जनरल मेंटल एबिलिटी में, पांच टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग में, और छह टॉपिक इस पोर्शन में जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें हमें कवर करना है। ये आपको इंडेक्स वैसे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो मिलेगा ही, लेकिन आपके लिए टारगेटेड यही पोर्शन है। अब इसमें बता दूं क्वालिफाइंग में कौन से टॉपिक है जो गारंटेड होंगे। तो मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दो, मैं पांच टॉपिकों की गारंटी ले रहा हूं कि आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। उसमें पहला टॉपिक है सिलोजिज्म, आप अगर मेरे तरीके से उसे हल करिए तो कभी सिलॉक्स का सवाल गलत होगा ही नहीं। दूसरी मैं गारंटी लूंगा सीटिंग अरेंजमेंट में, जितनी डाइवर्सिटी मैं कर दूं उसे कंप्लीट कर लीजिए, कभी उत्तर गलत हो ही नहीं सकता है। इनपुट आउटपुट में मैं गारंटी लेता हूं कि आंसर गलत नहीं होगा।
कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडिंग डीकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट और डाटा सफिशिएंसी। इसमें तो मैं गारंटी लूंगा कि सवाल कुछ भी आ जाए तुमसे उत्तर होगा ही। पहले तो इनमें मेरी श्योरिटी है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। अब मैं बता दूं कि उसके बाद फैमिली पजल, पजल और इन चारों टॉपिकों में अगर आप मेरी थ्योरी को फॉलो करेंगे तो मैं श्योरिटी लेता हूं कि जितना आप समझ पाएंगे 90% सवालों के जवाब इसमें भी निकाल लेंगे और 90% सवालों के जवाब आप इसमें भी श्योरली निकाल दोगे। ऐसा नहीं कि इसके उत्तर नहीं निकलेंगे, पर मैं आपको हिदायत ये देता हूं, हमें टाइम भी देखना है, हमें क्वालिफाइंग भी देखना है, हमें मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो वहां पर हमें यह देखना है कि पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जिन्हें मैंने बॉक्स में डाला है ये तुम्हारे लिए सबसे पहला टारगेट रहेंगे, क्योंकि इसमें तुम गारंटेड उत्तर बहुत कम समय में निकाल लोगे। और जो दूसरा है जिसे मैंने सर्कुलर कर दिया है या इस टाइप का पैटर्न है, इसे आप सेकेंडरी रखेंगे। जब आपको लगता हो कि ऑप्शन नहीं है तो आपको उसी में से उत्तर निकालना पड़ेगा। इसलिए जो लोग बैंकिंग का कोर्स करेंगे या बैंकिंग का कोर्स लेंगे वे लोग इन सभी सिलेबस के टॉपिकों को कवर करिएगा। नॉन वर्बल का मटेरियल आपके एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि पहले आता था, अब वो नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए उसे मैं हटा रहा हूं। केवल आप इन्हीं पर फोकस करिएगा तो कभी भी आप बैंकिंग में, रीजनिंग में बेहतर नंबर खींचकर आएंगे। एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक टॉपिक ऐसा बता रहा हूं जिसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप दुनिया का कोई भी सवाल लेकर आना, कभी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कि वो ट्रिक्स क्या हैं और किस तरीके से हम उसे हल करते हैं। हम अगर बात करें कोडेड इनइक्वलिटीज की, तो कोडेड इनइक्वलिटीज नाम की जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, इसमें सवाल कुछ इस तरीके के आपके सामने रखे जाते हैं और आप देखेंगे कि सवालों में कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि वहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, मान लो कि इतनी बड़ी कोडेड इनइक्वलिटीज इनइक्वलिटीज हमें दी गई है, इतना बड़ा नहीं मिलता लेकिन मान लेते हैं, तब मेरी ट्रिक्स पर गौर करना आप, जो मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को। याद रखना कि मैं इसे बड़ा छोटा नहीं मानता हूं, मैं इसे मानता हूं सिंगल गेट। मैंने इसका नाम रखा है सिंगल गेट, इसे मैंने माना है डबल गेट, मैं इसे मानता हूं डबल गेट, और मैं इसे मानता हूं नो गेट। नो गेट कि वो कोई गेट नहीं है। सिंगल गेट, डबल गेट और नो गेट। सिंगल गेट में यहां से एंट्री होगी, यहां से एंट्री नहीं होगी, इसमें यहां से एंट्री होगी, यहां से एंट्री नहीं होगी, यहां पर भी यही से एंट्री होगी, यहां से एंट्री होगी, यहां से एंट्री होगी, यहां से एंट्री होगी, लेकिन इधर से एंट्री इसमें नहीं है। और नो गेट का मतलब जहां दोनों तरफ से एंट्री हो सके, जहां कोई भी बैरियर ना हो, हम कहेंगे कि वो नो गेट है। पहले तो शब्दावली पर ध्यान दे। फिर मैंने इसमें दो नियम बनाए हैं। पहला नियम है कि अगर आपके सामने प्रश्न सिंगल गेट का आता है तो सिंगल गेट में अगर जानकारी में कहीं बीच में डबल गेट आ जाए तो चलता है, सिंगल गेट के प्रश्न में डबल गेट आ जाए तो चलेगा। इन द सिंगल गेट क्वेश्चन इफ इन द इंफॉर्मेशन डबल गेट्स आर कम देन नो प्रॉब्लम, तो वो एक्सेप्ट है तो चलता है। बट अगर डबल गेट का प्रश्न आ जाए तो आपके लिए सिंगल गेट अगर जानकारी में आ जाए तो वह कंक्लूजन गलत होगा। मेरे इस ट्रिक्स पर गौर करना। सिंगल गेट का कंक्लूजन अगर हमसे पूछा जा रहा है और जानकारी में अगर डबल गेट आ जाए तो चलेगा कि वो कंक्लूजन सही है, लेकिन डबल गेट के प्रश्न को या डबल गेट के कंक्लूजन को पूछ रहा है और जानकारी में सिंगल गेट आ रहा है तो वह नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे और हमारे पास कुछ अलग अलग जानकारियां यहां पर दी गई हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के प्रश्न यहां पर दिए जा रहे हैं। आइए अब मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे चेक करूंगा कि वो सही है या गलत है। तो सिंगल गेट मतलब इधर से एंट्री होगी, इधर से नहीं होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बस ध्यान देना, बाकी तो तुम एक बार सीख गए तो बहुत आसान है।
इसे मैं ये नहीं पढ़ूंगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, मैं कहूंगा कि मुझे एक ही एंट्री करनी है, क्योंकि इधर से एंट्री हो सकती है जी के घर में। क्या एक ही एंट्री सिंगल गेट से जी के घर में हो सकती है? आइए चेक करते हैं, जिधर से ये खुला है वहीं से एंट्री हो पाएगी, बाकी इस साइड से एंट्री नहीं होगी, वहां से गेट हम क्लोज मानते हैं। तब मुझे पढ़ना है एक ही एंट्री क्या जी के घर में होगी। आइए चलना स्टार्ट करते हैं ए से, कहां तक जाना है हमें जी तक, चलना स्टार्ट करें। क्या ए की एंट्री बी में हो गई, बी की सी में, सी से डी, डबल गेट आए चलता है, पर आगे गेट क्या निकला क्लोज, मतलब एंट्री नहीं हो सकती जी के घर में, और अगर एंट्री नहीं हो सकती तो यह कंक्लूजन गलत है, कंफर्म हो गया। हमें नहीं पता कौन बड़ा और कौन छोटा है, मेरी सिंपल सी बात याद रखना, यह सिंगल गेट है, यह डबल गेट है, यह नो गेट है। सिंगल गेट का प्रश्न कंक्लूजन के रूप में आए तो डबल गेट जानकारी में चलेगा, पर डबल गेट का कंक्लूजन प्रश्न में आए तो सिंगल गेट नहीं चलेगा। जैसे दूसरे सवाल में क्या पढ़ू मैं अब इसे, ए की एंट्री डी के घर में, चेक करते हैं, ए से बी के घर में आ गए, बी से सी के घर में आ गए, सी से डी, और इन बिटवीन अगर डबल गेट आए तो कोई इश्यू नहीं होता है, हम कहेंगे कि यह कंक्लूजन क्या है सही हो गया। क्या जी की, अब इसे मैं क्या पढ़ू, डी की एंट्री नहीं जी की एंट्री पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे जी की एंट्री डी के घर में, जी से चलना स्टार्ट करो और जी तक, जी से चलना स्टार्ट करो डी तक जाने की कोशिश करो, तो क्या जी से एफ जा पाओगे, बिल्कुल नो गेट है आ जा सकते हो। क्या एफ से ई आ गए, बिल्कुल आ गए हो, और क्या ई से डी आ गए, बिल्कुल आ रहे हो जी से डी तक, और इन बिटवीन अगर डबल गेट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे कि ये कंक्लूजन भी क्या है सही होगा। शब्दों पर ध्यान देना, जी की एंट्री डी के घर में क्या होगी। अब प्रश्न है क्या बी की डबल गेट से एंट्री एफ के घर में होगी, चलना स्टार्ट करेंगे बी से, कहां तक जाना है एफ तक, तो बी से एफ तक जाना है हमें, तब हमने चलना स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआत में क्या मिल गया सिंगल गेट, जबकि मैंने कहा डबल गेट का प्रश्न अगर है तो सिंगल गेट नहीं चलता, वो भले एंट्री हो हटा दो से कि सिंगल गेट चल ही नहीं सकता है। फिर से आई की एंट्री डबल गेट से ई के घर में, आई से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और ई तक जाना है, लेकिन शुरुआत में एंट्री में हमें सिंगल गेट मिल चुका है, हटा दीजिए कि ये कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता है। बात तय हो गई कि दूसरा और तीसरा दोनों कंक्लूजन सही हैं। मेरी स्ट्रिक्स के बेस पर आप कोडेड इनइक्वालिटीज को हल करिए, एक सिंगल भी गलत नहीं होगा। बाकी इसका कंप्लीट थ्योरी आपको जब आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें पूरा मिलेगा। आप वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए या तो www.examkar.com से वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या ट्रेंटेट पर जाकर भी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बैंकिंग की कंप्लीट तैयारी अगर चाहते हैं तो रीजनिंग को यहां से कवर कर रख सकते हैं, जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, इंडेक्स सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता चलेगा।